अरविंद केजरीवाल का धरना लगातार रेल भवन के बाहर जारी है। हम इस समय खड़े हैं रेड कोर्स रोड में, जहां पर बहुत सारे समर्थक अरविंद केजरीवाल के धरने से जुड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहां पर पुलिस बल और लोगों ने उन्हें रोक रखा है ताकि असुविधा न हो सके। हालांकि लगातार इस प्रदर्शन से सुबह से ही लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। की अगर बात की जाए तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और पटेल चौक जैसे स्टेशन बंद हैं और लगातार लोगों को, आम लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। यहाँ पर बसेज और यातायात की व्यवस्था खास तौर पर बिगड़ी हुई है। लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन और सेना की तैनाती और बढ़ा दी गई है, लेकिन ये प्रदर्शन जारी है और ये लोग लगातार अरविंद केजरीवाल से जुड़ने और उनके धरने तक पहुँचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि कब तक ये धरना यहाँ पर चलता रहता है, केजरीवाल के पास ये लोग पहुँच पाते हैं नहीं, क्या इस पूरे प्रदर्शन से हासिल हो पाता है केजरीवाल आम आदमी पार्टी को। सिस्टम के अंदर आकर व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाले केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आज फिर से सिस्टम के खिलाफ खड़े दिखाई दिए। इस बार मांग 3 पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन की है। लिहाजा सवाल ये खड़ा होता है कि देश में आतंकवादी खतरे की साय में क्या किसी मुख्यमंत्री के द्वारा खुद की और हजारों लोगों की जान को ताक में रखकर इस तरीके से धरना देना शोभा देता है। इस समय नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संदीप के साथ हम पुष्पांडे न्यूज़ पॉइंट।